नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीराम सेतु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, एमटीएस के लिए हमने खेल जगत से ओलंपिक की दो वीडियो डाल चुके हैं और आपका बहुत सारा प्यार भी मिला है हमको, ठीक है जी भाई। और आज हम उसी से रिलेटिव ओलंपिक से संबंधित तीसरी वीडियो लेकर आए हैं भाई। चलो देखते हैं भाई, ज्यादा बात ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, शीतकालीन ओलंपिक की वीडियो आज हमारी। शीतकालीन ओलंपिक भाई, हमने तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पढ़े हैं, ये शीतकालीन क्या है? तो भाई इसी के बारे में आज जानेंगे। देखो, ओलंपिक खेलों के प्रकार शीतकालीन ओलंपिक होते हैं, 1896 में हमने पहले पढ़ा है। शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और युवा ओलंपिक। कितने प्रकार के ओलंपिक हो गए भाई? चार प्रकार के। यानी आप अभी मन में खुश हो रहे होगे कि भाई अब पैरा ओलंपिक भी हमारा आएगा। पक्का भाई, अलग ही एकदम, बिल्कुल अलग कराएंगे इसको, ठीक है। आज हम लेके आए हैं भाई शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक क्या होता है भाई? जहां पर ठंडे स्थान होते हैं, विंटर ओलंपिक भी बोलते हैं ना इनका, विंटर ओलंपिक ठंडे स्थान है ना। जैसे कि आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर आप इनको देखिए, जो आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव का जो इलाका है ना, उत्तरी ध्रुव का जो इलाका है, उसमें आपके भाई ये विंटर ओलंपिक होते हैं, यानी ठंडे स्थान पर। अब उत्तरी ध्रुव, उत्तर और दक्षिण के बीच का जो स्थान है वो उत्तरी ध्रुव है। आर्कटिक महासागर बहुत बड़ा महासागर है वहां पर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में ही आप देखोगे भाई पेंगुइन नाम का एक पक्षी भी पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव पर 98%, लगभग 98% बर्फ ही बर्फ है, भूमि नहीं है वहां पर, 98% बर्फ ही बर्फ है, ठीक है ना भाई। और यहां पर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता भाई, वहां सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। चलो, उत्तरी ध्रुव पर देश कौन कौन से आएंगे फिर? उत्तरी ध्रुव में आपके देश जैसे आर्टिया, सॉरी, आपका नॉर्वे है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, आपका उत्तरी अमेरिका है, जापान है, रूस है और आपका दक्षिण कोरिया है। ये सभी देश कहाँ पे आते हैं? आपके उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के ही पड़ोसी, यानी पास के जो देश हैं इस क्षेत्र के, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब बात करें शीतकालीन ओलंपिक कब होते हैं ये शीतकालीन ओलंपिक, तो आप देखते होगे भाई जनवरी, जनवरी जनवरी के साथ, जनवरी से कब तक? अरे भाई ये भी तो 16 दिन ही चलेंगे, ठीक है, 16 दिन चलेंगे तो ये फरवरी, जनवरी और फरवरी में आपके क्या शीतकालीन ओलंपिक शुरू होते हैं, ठीक है जी। शीतकालीन ओलंपिक शुरुआत कब हुई तो देखते हैं भाई। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 ईस्वी में समोन यानी फ्रांस में किया गया था, ठीक है भाई। शीतकालीन जो ओलंपिक है, अब आप कहोगे शीतकालीन ओलंपिक, भाई देखो शीतकालीन ओलंपिक और आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों में अंतर तो है, क्योंकि कब हुए थे? 1896 में। और ये कब हुए थे? ये हुए थे 1924 में, ठीक है ना भाई। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन में अंतर, ये जून जुलाई यानी जुलाई अगस्त में होते हैं आपके, जुलाई और अगस्त, ठीक है भाई। ये आपके कब होते हैं? ये होते हैं आपके जनवरी और फरवरी में, ठीक है भाई, ठीक है जी। आगे देखते हैं शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को 1992 तक एक ही वर्ष में आयोजित किया जाता था, यानी साथ साथ चलते थे। आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है एक साथ कराती थी, किसको? ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों को एक साथ कराते थे, ठीक है, एक साथ यानी एक ही वर्ष में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 1986 ईस्वी के बाद ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक को अलग अलग 4 वर्षों के चक्र में खिलाने का निर्णय लिया गया कि भाई अब जब भी आगे के जो गेम होने हैं वो अलग अलग हो, ठीक है, ठीक है भाई। तो इनको बदलने का 1992 के बाद अगले शीतकालीन जो ओलंपिक थे वो कब हुए?
1994 में शीतकालीन ओलंपिक जनवरी और फरवरी माह में आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल सही, आपने पहले पढ़ लिया, यह प्रतियोगिता प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। बिल्कुल सही बात है, पर आपको भाई पता होगा कि ये 24 में हुए हैं, 4 साल बाद होने, तो आपको पता है ये 24 और 1936 तक कंटिन्यू चलते रहे, पर जैसे ही 40 और 44 आया द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1940 और 1944। जितना भी बड़ा आयोजन होता था खेलों का, सब बंद थे। किसके कारण? 1940-44 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। उसके बाद फिर दोबारा 48 में, 1948 में आपके विंटर वाले जो है शीतकालीन ओलंपिक दोबारा स्टार्ट हो गए और फिर वो कंटिन्यू अब तक चलते आ रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है भाई, आगे। शीतकालीन खेलों में मुख्य रूप से 7 खेल ही फोकस होता है। तुमने सुना आइस हॉकी, भाई बर्फ चाहिए उस पर, तो ठंडा इलाका है ना, आइस हॉकी। शीतकालीन खेलों में मुख्य रूप से 7 खेल ही फोकस किए जाते हैं, जैसे आपका आइस हॉकी है, अल्पलाइन है, क्रॉस एंट्री है, लूज है, काफी है, फिगर स्टेक है, 7 खेल होते हैं। ठीक है ना, इन खेलों में 15 स्पर्धाओं में करीब 100 इवेंट यानी स्पर्धा जो अलग अलग के भाई ऐसे ऐसे होंगे इवेंट होते हैं, और इसमें 90 से ज्यादा देश के 2000 से भी ज्यादा खिलाड़ी पदक जीतने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है ना भाई, ठीक है जी। शीतकालीन ओलंपिक में खेलों में अब तक 8 बार सबसे ज्यादा पदक नॉर्वे के खाते में गए हैं। देखो भाई आपको बता दूं, अब भारत भी इसमें आएगा, भारत ने भी लिया है इसमें, पर हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो हम यहाँ के भाई गर्म इलाका हमारा, और ये कहाँ पर होते हैं, ठंडे इलाके, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हमारे यहाँ के लोग नहीं जा पाते हैं ना। ठीक है, तो वहाँ की ठंड और हमारे यहाँ के मौसम में बहुत चेंज होता है ना, इस वजह से। अब नॉर्वे तो भाई इसके पास का ही है, उत्तरी ध्रुव के पास का इलाका है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा पदक अब तक अगर आप विंटर ओलंपिक की बात करोगे ना, तो किसने जीते, नॉर्वे ने विंटर ओलंपिक में। और उसके बाद कौन आता है आपका, सोवियत संघ। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी। ठीक है भाई, जर्मनी। ठीक है, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन एशिया के देशों में जापान, दक्षिण एशिया और चीन में हो चुका है। ठीक है, आपको बता दूं भाई, शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन एशिया के देश, सिर्फ एशिया के देश। अब एशिया का जो देश होता है ना भाई, देखो मैंने बोला था कि ठंडे इलाकों में होता है, तो देखो जापान बिल्कुल ठंडा इलाका है, दक्षिण कोरिया बिल्कुल ठंडा इलाका है, चीन का कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है वहां पर। ठीक है ना, ठीक है जी, तो आपका चीन भी बन गया। अब देखो चीन तो एक ऐसा देश है भाई जिसने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में क्या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कराए थे, और अभी क्या बोल रहा हूं मैं कि चीन ऐसा देश बन गया कि जिसने शीतकालीन भी कराए हैं, शीतकालीन। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं बीजिंग चीन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिकों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, विश्व का पहला देश यानी शहर किसके लिए बोल रहा, बीजिंग के लिए। ठीक है, बात तो एक है ना भाई, समझ गए। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक में भारत में पहली बार, शीतकालीन ओलंपिक में भारत में पहली बार 1964 के ऑस्ट्रिया में ओलंपिक हुए शीतकालीन, उसमें भाग लिया। इस ओलंपिक में भारत का एक खिलाड़ी ने भाग लिया। मैंने बोला ना कि भारत के लोग भाई वहां पर नहीं जाते, बहुत कम, क्योंकि मौसम की वजह से। ठीक है, पर हमारे एक बंदे ने यहाँ पे एंट्री करी। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक में भारत के अब तक, और आप क्या हो गए जी खिलाड़ी का नाम, मैं बताता हूं भाई, 64 में जो था एक विदेशी था जिसके माता पिताओं ने हमारे यहाँ की मान्यता ले रखी थी, तो एंग्लो इंडियन में ये बोला जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिखा। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक में भारत के अब तक 15 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, कोई भी पदक नहीं जीता है। आगे, शीतकालीन ओलंपिक 16 दिन तक ही चलते हैं भाई, वही प्रक्रिया है सेम भी, आप शपथ भी लोगे, आपकी मशाल भी जलाई जाएगी, और ओलंपिक कितने दिन का रहेगा शीतकालीन, 16 दिन, तो आपका शीतकालीन हो या ग्रीष्मकालीन बराबर ही रहना। ठीक है भाई,
आगे चलते हैं। वर्तमान में 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022, ठीक है, वर्तमान में। अब हम देखते हैं भाई कि वर्तमान में जो चल रहा है उसमें क्या करना है, ठीक है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में, बीजिंग चीन में। और अगर बात करी जाए 2022, देखो भाई 2022 अगर बात लगभग मैं बोलूंगा भाई, देखो इनकी शुरुआत कब हुई थी, 24 में। कहां पर हुई थी भाई, ये हुई थी फ्रांस में, फ्रांस। पर अब बात कहां चल रही है 2022 की, 2022 कहां पे हो रहे हैं भाई, 2022 के आपके होंगे चीन में, ठीक है ना, चीन, चीन में। लगभग कितने वर्ष हो गए, लगभग 9800 के लगभग, है ना, 9800 के बीच में, इतने साल हो गए इसको भी। तो आप पूछ सकता है कोई भाई कि आपके विंटर ओलंपिक को लगभग कितने वर्ष हो गए, तो लगभग 100 वर्ष या 98, ठीक है ना, ठीक है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक और कितनी बार हो गए, 24 बार, मैं ये बात बोलना चाह रहा था, कितनी बार हुए हैं, 24 बार, लगभग 100 सालों में 24 बार आपके ये जो है ना विंटर ओलंपिक हो चुके हैं, शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में आयोजित हुआ है। शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सहित 30 राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे, ठीक है। कि देखो भाई ये तो पड़ोसी है, पक्का है ना, पड़ोसी है, आना ही था। अब आप बोलोगे कि भारत को भी निमंत्रण मिला था, बिल्कुल मिला था भाई निमंत्रण, पर भारत नहीं गया था, नहीं गया था, ठीक है, नहीं गया था। किस कारण, इस कारण गलवान की घाटी सुना होगा, झड़प हुई थी भारत के सैनिकों और चीन के सैनिकों के बीच में, उसकी वजह से नहीं जा पाए, ठीक है ना। गलवान घाटी झड़प में शामिल सैन्य कमांडर को प्रतियोगिता का मशाल धारक बनाकर शामिल किया गया था। भाई आपको एक बात बता दूं मैं पहले, कि जो गलवान घाटी थी ना उसमें झड़प हुई थी, उसका जो कमांडर था उसको ये मशाल देकर चीन ने सम्मानित किया था, चीन ने सम्मानित किया था कि इसने बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है ना, कि भारत की जो सेना उसको पीछे धकेलाई। तो खैर उनने उल्टा ही बोला था कि चीन अपनी बात हमेशा उल्टी ही बताती है, वहाँ की मीडिया हमारी मीडिया जैसी नहीं है कि अपनी मीडिया अपने देश के बारे में बोलेगा, वहाँ की मीडिया थोड़ा उल्टा करती है, अगर कुछ हुआ है तो अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलते वो, अगर पिट गया तो कहते पीट के आया, ठीक है। तो इसने ये सिद्ध कर दिया यहाँ पर, गलवान घाटी में झड़प जो हुई थी उसमें जो हमारे इनके जो कमांडर थे ना उनको ये मशाल दी और सम्मानित किया, मशाल देकर सम्मानित किया कि भाई देखो ये हमारे कमांडर थे, इनने भारत को पीछे धकेल दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। और अब आपको याद रखना है कि आपका जो बीजिंग है ना, आपका 2008 और 2022 केस ग्रीष्मकालीन और आपके शीतकालीन दो ओलंपिक कराने वाला पहला शहर बन गया है, ठीक है। ओलंपिक में भारत सहित 91 देशों ने कितने खिलाड़ी, 2871 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ठीक है। कौन से में, 2022 की बात चल रही है भाई, ये चीन, ठीक है ना। 24वें शीतकालीन ओलंपिक का शुभांकर भाई मैंने आपसे बोला, जो सेम प्रक्रिया ग्रीष्मकालीन में ना, सेम प्रक्रिया हर किसी में आपको शब्द मिलेंगे, क्या है, शुभांकर, एक मुस्कुराता हुआ पाड़ा, एक मुस्कुराता हुआ पाड़ा, और चलने वाली चीनी लांटेन बिग ड्रवेन ड्रवेन, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है ये समझ लेते, बिग का अर्थ है बर्फ, जो पवित्रता और शक्ति का भी प्रतीक है, विग यानी जो पवित्र है, पवित्रता और किसका, शक्ति का प्रतीक है वही, ड्रवेन ड्रवेन मतलब बच्चों का प्रतिनिधित्व करता हो, क्लियर है भाई, ठीक है जी, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आप सबको, है ना। 24वें शीतकालीन ओलंपिक में जिस पर प्रतिबंध लगाया, कौन है भाई, रूस। मैंने आपको बता दिया था भाई पहली वीडियो में, जो हमारी सेकंड ओलंपिक की आपकी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, उसमें मैंने बता दिया था कि 4 वर्षों तक रूस बड़े इवेंट में
जो आपके बड़े प्रतियोगिता होगी उनमें भाग नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो ओलंपिक संघ है उसने प्रतिबंध लगा दिया कि इन्हें ड्रॉपिंग केस में फंस गए हैं, इनके खिलाड़ियों को कहीं नहीं भेजा जाएगा, और अगर ये खेलना चाहते हैं तो किसी भी देश का नाम लेकर खेल सकते हैं, अपने देश का ना तो तिरंगा सॉरी झंडा, ना ही वहाँ का क्या बोलते हैं राष्ट्रगीत होगा, कुछ भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है, इस वजह से प्रतिबंध है। समझ में आ गया ना, क्लियर है भाई। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शामिल होने वाले नए देश, ये नया देश है हैती, एक है हैती और एक है सऊदी अरब, ठीक है भाई, दो देश इसमें शामिल हुए। शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग खेलने का पहला स्वर्ण पदक नॉर्वे की थेरस जोहान ने जीता, जोहाग ने जीता था, इसमें कुल कितने 3 स्वर्ण पदक जीते। या भाई पहले समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सवाल देख भाई लिख रहा पढ़ लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो क्या है शीतकालीन यानी विंटर में जो 2022 में पहला स्वर्ण पदक जो बीजिंग में चल रहे हैं चीन में चल रहे हैं किसने जीता, नॉर्वे। भाई मैंने बोला ना नॉर्वे तो फर्स्ट है, सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला यानी पदक जीतने वाला देश इसमें है, किसमें, शीतकालीन ओलंपिक में, ठीक है ना, तो किसने जीता, थेरेस, ठीक है, 3 स्वर्ण पदक, क्लियर है भाई। आगे चलते हैं ना, पदक तालिका, क्या पदक तालिका कौन सी भाई, पदक तालिका 2022 कहां पर, चीन की, जो चीन में हुए थे, चीन में जो हुए थे उसमें पदक तालिका, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 16 स्वर्ण सहित 37 पदक जीतकर नॉर्वे कैवे स्थान पर रहा, फर्स्ट पर, क्लियर भाई। यानी अब देख लो सबसे ज्यादा बार मैंने 8 बार लिखा है, अब ये 9वीं बार हो गया, नॉर्वे नंबर 1, ठीक है ना। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 12 स्वर्ण पदक कुल मिलाकर कितने 27 जीतकर दूसरे स्थान पर जर्मनी, दूसरे स्थान पर रहा, क्लियर भाई। 24वां शीतकालीन ओलंपिक, 24वां शीतकालीन ओलंपिक में 9 स्वर्ण पदक जीतकर कुल 15 पदक जीतकर चीन कैवे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर। बात आएगी भारत की, भारत भी जीता, देखेंगे। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शामिल नए देशों में हैती और सऊदी, अभी मैंने आपको बता दिया था, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अगला सवाल, भारत कोई पदक नहीं जीत पाया, भारत कोई पदक नहीं जीत पाया कहां पर, 2022 के शीतकालीन ओलंपिक चीन में, कहां पर, चीन में कोई पदक नहीं, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान कहां से थे, जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से। और ये बता दो भाई, ये आपके जो भाई है ना मोहम्मद आरिफ, जो मोहम्मद आरिफ हैं, आरिफ खान, ये भाई 45वें स्थान पर रहे थे अपनी स्पर्धा में, 45वें स्थान पर रहे थे। तो भाई गोल्ड का आश्चर्य रजत कोई सा नहीं आता है ना, 45वां बहुत दूर है ना, ठीक है। आपका 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 में मिलान में होने हैं भाई, इटली, कहां पर, इटली में, क्लियर भाई, ठीक है जी। थैंक यू भाई, भाई बहुत छोटी वीडियो है, पर भाई एक पर्सनल मेरी यही राय है कि भाई थोड़ा बड़ा वीडियो को लोग शायद पसंद नहीं कर रहे, तो हमने टॉपिक वाइज उठाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आप लोगों का लगे कि भाई बहुत छोटी वीडियो लग गई है, पर अब आपको जो भी मिलेगा ना भाई टॉपिक वाइज ही मिलेगा, टॉपिक वाइज। अब जो भी अगली वीडियो हमारी जो आएगी ना भाई, इन शॉर्ट मैं आपको बोल दूं कि भाई हमारी अगली जो वीडियो होगी ना, वो अगली वीडियो होगी हमारी किसकी, अगली वीडियो होगी भाई हमारी पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक के बारे में ही बात करेंगे। और पैरा ओलंपिक की वीडियो इससे ज्यादा ही बड़ी है भाई, क्योंकि भारत पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेता है और हमारे पदक वीर भी इसमें बहुत हैं,
स्वर्ण पदक भी है, रजत भी है और कांस्य भी है, और भारत का स्थान भी इसमें बेहतरीन है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में पैरा ओलंपिक बात बता दो भाई। देखो अगर आप कहते हो भाई हमारा समय व्यतीत करा रहे हैं बस, कि जो भी है ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई 100% बता रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम दो, किसी का भी एग्जाम दो, खेल जगत से आता ही आता है, और उसमें भी क्या आपका ओलंपिक, ओलंपिक भी आपके भाई चारों में से कुछ ना कुछ मिलता है। देखो पिछला दिल्ली पुलिस का पेपर सेट ठा के देख लेना, जो भी आपका होगा, देखो क्रिकेट से बहुत ज्यादा बूझे गए थे, मैं पूरा क्रिकेट कराऊंगा। उसके बाद आपका पैरा ओलंपिक, हर किसी के पेपर में दो क्वेश्चन आए थे, हर किसी के पेपर में दो क्वेश्चन आए थे, ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक और शीतकालीन। मैंने कोशिश और प्रयास अपना यही रखा है कि भाई आपको बेस्ट मिले, बेस्ट भी, बेस्ट के ऊपर भी अगर बेस्ट होता ना, वो मैं आपको कंटेक्ट तैयार करके दूं एकदम, ठीक है ना भाई। तो भाई हमारी अगली वीडियो का वेट करो, और थोड़ा सा भाई वीडियो को शेयर भी करो, कमेंट करो भाई। आप देखते हो तो भाई कमेंट नहीं करते, बहुत दुख होता है कि भाई इतनी मेहनत के बाद भी अगर बच्चा हमको कमेंट नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं अभी हमें खामियां हैं भाई। आप लिखो एक बार, बोलो मैं अपनी जो खामियां ना सबको सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद भाई।